बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वली ऑटोमोटिव सर्विस में खुश आमदीद। आज है जी हमारे पास टोयोटा क्रोला, और ये क्रोला है GLI हमारे पास, 2015-16 मॉडल है जी ये। इसका मीटर वर्क करने का तरीका बताएंगे, गाड़ी चली हुई है 82,000 समथिंग कुछ, मीटर कैसे बाहर आता है वो भी आपको बताते हैं, कौन कौन सी चीज़ खुलती है। ये पट्टी पहले खुलेगी, उसके बाद ये एयर विंड वाला पैनल खुलेगा, उसके बाद आपका खुलेगा ये जो आपका पैनल है साइड मिरर स्विच वाला पैनल है वो, उससे सबसे पहले आपने नीचे वाली शील्ड उतारनी है, ये उतार लेनी है। फिर उसके बाद ये आपने पट्टी उतारनी है, ये एयर विंट वाला आपने पैनल उतारना है, उतारना है आपने। उसके बाद आपने ये नीचे वाला पैनल उतारना है जो साइड मिरर वाला है, ये पहले वो उतार लें या इसके साथ ही उतार लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर आपने इसका जो मीटर वाला कवर है वो उतारने से पहले आपने टे वाला पैनल को थोड़ा सा बाहर करना है, इसको लॉक में से बाहर निकालना है, फिर ये इसका जो जो है पैनल है जो इसका कवर है वो बाहर आएगा, ठीक है। ये कवर इसका बाहर आ गया, के बाद हम दो इसके स्क्रू लगे हुए हैं वो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमने इसके लूप इसकी जो जो इसकी ग्रिप है वो उतार लेने हैं, कनेक्टर उतार लेने हैं इसके, ये आराम से बाहर आ जाएगा आपका। नहीं जी, ये आपका मीटर बाहर आ गया। अब बिना इसका मीटर ओपन किए कोई चीज़ ना, तो इसका कोई पीछे से कोई ओपन करना है हमने, ना ही आगे से कोई ओपन करना है। ये देखें इसका ग्रिप हमने लगा लिया, आई प्रोब की मदद से हम इसके जो डॉप्टर लगाएंगे। अच्छा, ये आपने जिससे भी लेनी है ना आई प्रोब, उसके साथ ये डॉप्टर वगैरह आएंगे, वो आपको साथ ये सारी एसेसरी देगा, ठीक है। ये हमने मैनुअल सा बनाया हुआ है, वैसे अब तो आ रही हैं एसेसरी इसकी आ रही हैं साथ। सॉफ्टवेयर ओपन किया हमने, ये जाएंगे जी हम इसमें डैशबोर्ड में जाएंगे, सबसे पहले डेंसो 2 में जाएंगे, और ये नीचे थोड़ा सा जाएंगे हम, ये हम टोयोटा क्रोला ये जाएंगे 93C 66 पे जाएंगे 2015, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया, अब आते हैं जी मीटर की तरफ, इसके कनेक्शन करते हैं। ये जो ग्रिप है जी, इसमें पहले हम नेगेटिव और पॉजिटिव देंगे, मीटर को ऑन करेंगे, ये आपके पास एक लड़का साथ लाजमी होना चाहिए जब ये आप काम कर रहे हैं। ये हम ये इसके पिन आप लगाएंगे इसके पीछे, इसके चार हैं नीचे पॉइंट बने हुए, आपने पहले दूसरे तीसरे को छोड़ के चौथे पे लगानी है, दो हमने लगा ली और ये हमने चौथे पे लगा दी, ठीक है। अब इसको रीड और राइट करेंगे, ये जी हमने इसको रीड किया जी, ये जी आ गई इसकी 82,400 समथिंग कुछ है जी। इसमें हम 20,000 डालेंगे, उसके बाद कैलकुलेट न्यू किलोमीटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपने इसको राइट कर देना, सेव करना चाहते हो कर लें, मेरे पास तो सेव है फाइल पड़ी हुई, आप सेव कर लें इसको, ठीक है। अब इसको दोबारा राइट रीड करेंगे, राइट करने के बाद दोबारा ये 20,000 आ गई जी, ठीक है जी, हमारा हो गया ये मीटर बर्स हो गया। अब दोबारा इसको हम ऑन करके दोबारा चेक करेंगे जी, यहाँ पे सामने नज़र आ जाएगी आपको, ये देखें 20,000, ठीक है। अब ये मीटर इसको दोबारा गाड़ी में लगा देंगे, जो इसकी ग्रिप वगैरह हमने उतारे थे दो, एक छोटा एक बड़ा, लगाने के बाद आराम से इसको लॉक में प्रेस करेंगे, इसको बाद दो स्क्रू लगाएंगे,
और जो जो हमने फिटिंग खोली हुई है हम वो अब दोबारा लगा देंगे। ये इसका मीटर का पैर जो ऊपर वाला कवर है वो सबसे पहले लगाएंगे हम, वो लॉक में आराम से बैठाएंगे। इसके प्लास्टिक के लॉक होते हैं बड़े, निकालते भी एहतियात करनी है और लगाते भी आपने एहतियात करनी है। और ये लगाने के बाद आपने टे वाला पैनल है वो अच्छी तरह प्रेस कर लेना है, लॉक में प्रेस कर लेना है। उसके बाद एयर विंड वाला जो पैनल है वो आपने लगाना है। उसके बाद आपने इसकी पट्टी लगा लेनी है साथ। अच्छा, जब आपने ओपन करना है ना पट्टी पहले, फिर ये एसी जो एयर विंट वाला है ना पैनल, फिर आपने ओपन करना है, ठीक है। वो हमारा गलती के साथ वो नीचे वाला जो इसका पैनल है, साइड मिरर वाला स्विच वाला पैनल है जो, वो तारा उसके साथ ही आ गया था। ये सबसे आखिर में हमने जो वो जो सबसे पहले हमने जो खोला था शील्ड खोली थी नीचे वाली, वो लगा लेनी है आपने। ये गाड़ी हमने स्विच ऑन किया जी, देखिए बीजे से आ रहा जी। गाड़ी आपने स्टार्ट कर लेनी है, स्टार्ट करके आपने 1-2 किलोमीटर चला के चेक करनी है गाड़ी किलोमीटर ठीक चल रहे हैं आपके, ठीक है जी।